हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित थोरा। आज के वीडियो में देखने वाले हैं ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज आपका मुंबई में आया, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है, मेरे कुछ फ्रेंड से डिस्कस किया है। एक मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, वो पढ़ता है ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, उससे डिस्कस करके और बाकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन सभी उठा के मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अगर आपको ठाकुर कॉलेज के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो जानना है, तो आप ये डिटेल जानना है तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं ठाकुर कॉलेज का कि क्या। तो ओवरव्यू में इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2001 में, और ऑल्सो नोन एज TCET, हम लोग इसको ऑल्सो नोन एज TCET बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है जैसे ठाकुर कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड आपका ये मुंबई में आया, मुंबई में कांदिवली में। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम एक्सेप्ट किए जाते हैं, यहाँ पे आपका जेई मेन्स और MST CET का एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, और अगर हम इसके बात करें कि इसका जो ओनरशिप है वो प्राइवेट है, प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज है आपका ठाकुर कॉलेज। ओके, तो ये हो गए ओवरव्यू के बारे में। अभी हम बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में कि कनेक्टिविटी कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से, आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कॉलेज आपको पड़ता है। अगर आप कांदिवली रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं तो आपको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलेगा कांदिवली रेलवे स्टेशन से, और बोरीवली रेलवे स्टेशन से आपको 2 किलोमीटर का इसका भी सेम डिस्टेंस है। ओके, तो ये है आपके कनेक्टिविटी के बारे में, कैसे आप पहुँच सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, अदर स्टेट से एंड ऑल, तो आप ये कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हो गया आपका कनेक्टिविटी के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे इसके रैंकिंग के बारे में कि इसका रैंकिंग कैसा है। तो NIRF रैंक देख लेते हैं 2020 का। NIRF रैंक है 201 से लेके 250 के बीच में, ये ओवरऑल NIRF रैंक है ठाकुर कॉलेज का। अगर हम 2019 के NIRF रैंक की बात करें तो 193 इसका 2019 का NIRF रैंक था। और अगर हम आउटलुक इंडिया सर्वे की बात करें जो 2019 में हुआ था, तभी इसको 78 रैंक दिया गया था, विच इज़ नॉट बैड, अच्छा रैंक है। ओके, सो ये है आपके रैंकिंग के बारे में, NIRF रैंक के बारे में। रैंक के ऊपर मत जाओ, कॉलेज की स्टडीज़ और वहाँ के टीचर्स के ऊपर ही रहता है सब कुछ। रैंक तो उसके फैसिलिटीज़ वगैरह समथिंग कुछ देख के मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ पे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट MST CET करके। तो MST CET का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका अच्छा रैंक आया तो। और उसका काउंसलिंग आपका MST CET का काउंसलिंग होता है, जिसमें 4 से 5 राउंड होते हैं। तो अगर आपका 4 से 5 राउंड में लग गया तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और यहाँ पे आप जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे जो दूसरे स्टेट से है, बट वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके स्टडी कर रहा है ठाकुर कॉलेज में, उसने भी जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लिया था यहाँ पे। और मास्टर कोर्सेज है यहाँ पे, मास्टर कोर्सेज के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जैसे एमटेक वगैरह करना है, तो एमटेक वगैरह के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कोर्सेज के बारे में। तो कोर्स ऑफर्ड बाय ठाकुर कॉलेज, कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है आपका ठाकुर कॉलेज। अभी हम बीटेक के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है। तो बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका इनटेक है 120, बी सिविल इंजीनियरिंग जिसका इनटेक है 120, यहाँ पे आपको देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है, और बी कंप्यूटर साइंस जिसका इनटेक है 180, और बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका इनटेक है 120, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसका भी इनटेक है 120, और बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इसका इनटेक है 60, और बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस इसका भी इनटेक है 60, और बीटेक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका इनटेक 30 है, और बीटेक आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग इसका भी इनटेक आपका 60 है। तो ये है आपके इनटेक, मतलब जो आपका वहाँ पे कितने सीट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। इनटेक मतलब सीट, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। तो ये आपके बीई के ब्रांच है, जो बीटेक और बीई के ये ब्रांचेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ठाकुर कॉलेज में। अभी हम बात करेंगे पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ऑफर किया जाता है। ये 3 कोर्स ऑफर किया जाता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, और इसके इनटेक 18 है, तीनों के इनटेक 18 है, मतलब 18 सीट्स के कैपेसिटी हैं। ओके,
तो ये हो गए। अभी हम बात करेंगे यहाँ से आप पीएचडी भी कर सकते हो। पीएचडी प्रोग्राम्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। इसके इनटेक है 10-10-10। अगर आपको पीएचडी करना है यहाँ से इस कॉलेज से तो इसके भी कुछ सीट कैपेसिटी 10-10 है। ओके तो ये हो गए आपके ओवरऑल कोर्सेज के बारे में जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस कॉलेजेस में। अगर आपको बीटेक एमटेक पीएचडी करना है तो आप इस कॉलेज से कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में, फीस का स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का। तो ये इनके वेबसाइट से मैंने ये फीस स्ट्रक्चर उठाया है। तो यहाँ पे आप बीटेक के लिए जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो एमएसटी सीटी जेईई मेंस के थ्रू जाते हैं उनके लिए फीस है 1,56,826 रुपीज़। तो ये है उनका एक साल का फीस। अगर आप लेटरल एंट्री करके जाते हो, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट और लेटरल एंट्री करके जाते हो इस कॉलेज में तो आपके लिए भी सेम फीस है 1,56,826 सेकेंड ईयर में जब आप एंट्री लोगे उसके लिए। ओके तो ये है फीस का। और मैं आपको एक फीस का स्ट्रक्चर दे दूंगा, मेरे फ्रेंड से अभी उसने एडमिशन लिया, अभी वो फर्स्ट ईयर में है बीटेक में, तो ठाकुर कॉलेज में मैंने उससे उसके फीस का मैंने फोटोज़ वगैरह मंगाया था कि कितना फीस उसका लगा है फर्स्ट ईयर में, तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने डाल रखा है। और ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे ये आपके वेबसाइट के थ्रू मैंने यहाँ पे निकाला। एक्चुअली फीस सेम है, बस थोड़ा 1-2 हज़ार का कम ये है, मतलब ऊपर नीचे है। चार साल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड से मुझे मिला है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ ठाकुर कॉलेज का, ठीक है। अभी TCET के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके 2019 का कट ऑफ है जो MSTCET का कट ऑफ था थर्ड राउंड का। तो अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कट ऑफ को देखेंगे तो 4,424 तक इनका कट ऑफ गया है। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कट ऑफ देखेंगे तो 5,637 तक इनका कट ऑफ गया है। तो अगर आपको पूरा कट ऑफ देखना है तो वीडियो को स्टॉप करिए और यहाँ पे जितने भी जो ब्रांच का आपको देखना है कट ऑफ वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गए कट ऑफ के बारे में। अभी हम हॉस्टल की बात करेंगे, यहाँ पे हॉस्टल कैसा है। तो हॉस्टल का मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, मैंने व्यूज़ पढ़े थे जो उनके रिव्यू थे वो पढ़े थे कुछ वेबसाइट्स पे जाके जहाँ पे स्टूडेंट्स आके रिव्यू करके गए थे। तो यहाँ पे आपको देयर आर टू हॉस्टल, एक नया वाला हॉस्टल है, ओल्ड हॉस्टल है और एक न्यू हॉस्टल है। ओके तो ओल्ड हॉस्टल इज़ अ वेरी बैड इन टर्म ऑफ लिविंग, इट्स नॉट प्रॉपरली टेक केयर ऑफ। तो क्या है, जो आपका जो ओल्ड हॉस्टल है उसका जो लिविंग है वो काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे काफ़ी मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है ओल्ड हॉस्टल में उतना कुछ खास। बट लेकिन न्यू हॉस्टल है, जो न्यू हॉस्टल्स प्रॉपरली केयर्स, रूम आर क्लीन ट्वाइस इन ट्राइस अ वीक। तो आपके जो न्यू हॉस्टल है उसमें आपका रूम क्लीननेस वगैरह देखने को मिलता है काफ़ी। सो यहाँ पे आपको रूम क्लीननेस 2-3 बार वीक में देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें, इट इज़ अ सिंगल बिल्डिंग विद 4 अपार्टमेंट ऑन ईच फ्लोर। आपको यहाँ पे मतलब जो आपका बिल्डिंग है जो ओल्ड और न्यू बिल्डिंग है जिसमें उसमें आपको हर एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ईच अपार्टमेंट हैज़ अ 2 रूम्स विथ एन अटैच बाथरूम एंड वॉशरूम। तो आपको अपार्टमेंट के अंदर ही अटैच बाथरूम भी देखने को मिलेंगे और वॉशरूम देखने को मिलेंगे, दोनों चीज़ अवेलेबल है। अपार्टमेंट जो आपका रूम दिया जाएगा उसमें ही सब आपको अटैच्ड मिलेगा। आपको पर्टिकुलर कहीं ऐसा मतलब जैसे आप अदर हॉस्टल्स में देखते हो एक पर्टिकुलर ये रहता है वॉशरूम्स रहते हैं टॉयलेट्स रहते हैं, वैसे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको अटैच मिलेगा, आपके रूम के साथ ही मिलेगा, तो एग्जैक्टली बहुत अच्छा है अगर आप देखा जाए तो। और एवरी रूम हैज़ अ 2 बेड्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस, लैब इज देयर। तो यहाँ पे आपको ट्यूबलाइट्स, फैंस वगैरह ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें सब देखने को आपको मिल जाएंगे। एवरी स्टूडेंट इज़ गिवन कपबोर्ड, बेड, ड्रावर्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपका एक पर्टिकुलर ड्रावर रहेगा, बेड रहेगा, जो भी है सब आपको देखने को मिलेगा। और ईच स्टूडेंट गिवे बट यू हैव टू पे योर ओन लाइट बिल। एक आपका यहाँ पे कौन सा है कि जो आपका जो लाइट बिल है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, आपके जो बिल आएगा रूम का, ठीक है। तो और अगर इसके फीस की बारे में बात करें तो फीस नेगोशिएबल है, मतलब आप वहाँ पे जाके नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फीस आर नेगोशिएबल, तो वहाँ पे आप जाके नेगोशिएट कर सकते हैं फीस के बारे में। इसलिए मैंने पर्टिकुलर कोई फीस के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको इतना ही फीस लगेगा। आप वहाँ पे जाके उनसे बात करके आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से आपका कम हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है एग्जैक्टली। इसलिए मैंने यहाँ पे फीस मेंशन नहीं किया है कि कितना लगेगा सब उसमें आपको, इसलिए आप जब जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो ये हो गए आपके हॉस्टल के बारे में जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हॉस्टल के बारे में। अभी हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, इस साल का प्लेसमेंट बहुत सही हुआ है ठाकुर कॉलेज में। हर साल से ज़्यादा इस साल प्लेसमेंट गया है ठाकुर कॉलेज का, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इनका। तो प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने एक ग्राफ डाल रखा है उनके वेबसाइट से उठाया था मैंने।
तो यहाँ पे ग्राफ शो करता है आपका हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 30 लाख का गया है। कितना गया है? 30 लाख का इस साल का 2020 और 2021 का हाईएस्ट पैकेज 30 लाख गया हुआ है। अगर इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो 4.17 लाख अप्रोक्सीमेटली इनका एवरेज पैकेज रहा है। तो ये है आपके प्लेसमेंट्स के बारे में, काफ़ी सही है प्लेसमेंट इनका। और यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं, मेजर रिक्रूटर्स क्या कौन से हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे यहाँ पे। तो कंपनी आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं। यहाँ पे उनके वेबसाइट पे हूँ मैं। एसेंचर आती है आपकी, media.net आता है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज है आपका। NSE इन्फोटेक आता है, NSE IT आता है, CMSS आता है, गोदरेज इन्फोटेक आता है, फोकस ग्रुप आता है, ई क्राफ्ट आता है, और भी बहुत सी कंपनियाज हैं। यहाँ पे आप नाम पढ़ोगे, आई थिंक 92 कंपनीज है, तो सबका नाम तो हम पढ़ नहीं सकते एग्जैक्टली। आप देख लो वीडियो को स्टॉप करके, मैं आप यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा आता है, बहुत सी कंपनीज है ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आपके, सब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखा है। अदरवाइज आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके विजिट कर लो, वहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके प्लेसमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ऐसे ही बहुत ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है और अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेते हो उनके लिए भी है, दोनों के लिए वीडियोस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना रहता है, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है बीटेक में, तो उसके लिए अगर उस कॉलेज में अवेलेबल है लेटरल एंट्री, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन जरूर करता हूँ इस कॉलेज रिव्यू के वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखो कि सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करना, बस एक सपोर्ट चाहिए, आप नीचे सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब को दबा दो, उतना ही काफ़ी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I got broads in Atlanta, sister the lean the family, credit cards and the scams, getting the licks in the